अभी आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे, जहां देखें जहां हम लोग कोरोना 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 की बात चल रही हुई है। अभी मैंने कल ही एक मास्क मंगवाया और मैंने उसे देखा, तो उसमें भी बताता हूँ कि किस तरह से कमियां हैं उसमें। और अगर उसे आप लोग अगर यूज करते हैं तो आप भी बड़ा ध्यान रखकर यूज करें। सबसे पहले आज हम केस पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कई अभिनेता कई नेताओं को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। याद रखिए, आप लोग नफरत मत करिए किसी से। मैं देख रहा हूं कि कोई अभिनेता को अगर होता है तो उसके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं आप लोग, और आपके पड़ोसी को अगर हो जाता है तो आप लोग उससे नफरत करने लगते हैं। कम से कम अपनी इंसानियत को थोड़ा बरकरार रखिए। भगवान अगर ऊपर बैठा होगा और सोचता होगा आप लोग भगवान को मानते हैं, तो क्या करता होगा? भगवान क्या सोचता होगा कि मतलब दूसरे के लिए जो आपसे बहुत दूर है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं करता है, फिर भी आप उसी के लिए दुआ मांग रहे हैं। और जो बेचारे आपके पड़ोसी हैं, आपकी हर समय मदद करते रहते हैं, उनसे आप नफरत करने लगते हैं अगर उन्हें हो जाता है। तो इंडिया के केस देख लीजिए, और याद रखिए, कोरोना अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो मर जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि अभी, यानी कि आप लोग 25 जुलाई की बात कर रहे हो हम लोग, तो आपके 13,39,176 केस अभी आ चुके हैं भारत में। इसमें से डेथ कितनी हुई, यानी कि मृत्यु कितने लोगों की हुई? 31,425 लोगों की। कितनी? 13 लाख में से 13-14 लाख के करीब है आपके केस, इनमें से 31,425 लोगों की मौत हुई है। और रिकवर्ड यानी कि आप कह सकते हैं कि रिकवर कितने हुए हैं, यानी कि सही होकर कितने निकले हैं यहाँ से, तो 8,50,303 लोग सही होकर बाहर आ चुके हैं। तो आप समझिए कि ज्यादा कोई टेंशन मत लीजिए। मालूम चला कि आपको कोरोना हुआ है और या किसी भी को कोरोना हुआ है, और आप उतना टेंशन, कोरोना से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप आधे टेंशन से पागल हो जाए और अपनी जान गंवा दें। इसलिए बिल्कुल भी दिमाग पर जोर मत लगाइए, हो जाए तब भी ठीक है। वो किसी को होता है तो उसे मतलब थोड़ी ऐसा करिए कि आप लोग दम दीजिए, मतलब एक तरह से उसका हौसला बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसे हो रहा है तो वो उसकी मौत हो जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि 96% इसमें आप लोग सही हो चुके हैं लोग, केवल आपकी 4% लोग इससे मतलब इससे मौत हुई है उनकी, केवल 4%। यानी कि आप देख सकते हैं 96% लोग सही हो चुके हैं। इसे हम लोग अगर विश्व स्तर पर बात करें तो 1,59,64,709 केस है केवल। कितने? 1,59,64,709। आज 25 जुलाई की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे डेथ पूरी विश्व स्तर पर बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड स्तर पर, ठीक है? तो आपका ये डेथ हुई है 6,43,176। इसमें से रिकवर यानी कि सही होकर कितने आ चुके हैं? ये 97,59,618 लोग, 97,59,618 लोग, ठीक है? इससे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1,99% लोग सही हो रहे हैं, केवल 1% लोग ही इसमें आपके मतलब इससे उनका मृत्यु हो रही है। ये आपकी चिल्ड्रन कंडीशन है, मिड जो मध्यम एज के लोग हैं। और यहाँ आप लोग देखेंगे कैस, यहाँ भी ठीक स्थिति है, 94,46% लोगों की मृत्यु हो रही है इससे। यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको केस बताया जाए। वैसे आप अपने अगर राज्यों में की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप नंबर पर चल रहा है 3,57,117 केसों के साथ। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर करीब आपका 2 लाख केसों के साथ। दिल्ली तीसरे नंबर पर, कर्नाटक चौथे नंबर पर। इस तरह से आप देख सकते हैं। और कई अभी आपने देखा है कि आपके शिवराज सिंह चौहान हो, फिर चाहे आपके कई मंत्री हो, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा करिए कि अपना ख्याल अच्छे से रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में, यानी कि आपके पास सुविधा नहीं है तो ही आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके पास तौलिया है, मैं तौलिया ही यूज करता हूँ, मैंने मास्क मंगवाया हुआ था। देखिए इसमें आप लोग देखेंगे, यहाँ देखिए इतना बड़ा छिद्र है, ठीक है? ये आपको दिख रहा है बाहर। इसमें मैंने फिर क्या किया कि इसमें एक कपड़ा लगा रखा है,
पतला कपड़ा लगा दिया है। इसमें आने जाने की यानी कि इसमें से छोड़िए, वायरस को छोड़िए आप लोग, इसमें से मक्खी भी घुसकर अंदर पहुंच सकती है, इतना मतलब बड़ा छेद है इसमें, मतलब इतने बड़े बड़े वो है इसमें आप जाने आने जाने की, कि नाक हवा की छोड़िए आप लोग, माछी भी अंदर तक, मक्खी भी अंदर तक जा सकती है, मच्छर भी अंदर तक जा सकते हैं। इस तरफ आप देखिए, ए इतना इस तरफ है, आप इस तरफ भी देख सकते हैं, यानी कि इससे क्या बचेगा आदमी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बराबर, यानी कि आर पार मक्खी या फिर मच्छर जा सकते हैं, पर मैंने क्या किया कि इसमें कपड़ा लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कपड़ा, जिससे बच सकते हैं आप लोग। और याद रखिए, मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि इसी तरह की यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इसमें से आराम से वायरस, क्या छोड़िए मच्छर भी आराम से जा रहा है, तो वायरस तो अलग बात है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो इसमें क्या किया करिएगा कि एक कपड़ा, पतला वाला कोई भी कपड़ा हो उसे लगा लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो कहता हूं इसे मत यूज करिए आप लोग। सबसे अच्छा है कि तौलिया पूरे सिर पूरे आपके मुंह ढक देती है और आराम से सेफ्टी रहती है आपकी, उसका यूज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर और सब छोड़िए, अगर आपके पास साबुन भी है, एक घड़ी साबुन या फिर कोई नहाने वाला साबुन, तो जब भी आप लोग बाहर से आते हैं तो उससे भी अपना आपका काम चल सकता है आराम से। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि हो गया किसी को, हो गया फिर ऐसा होगा वैसा होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है जितनी इसे हम लोगों ने बना रखी है। समझ रहे हैं? आदि तो आपने सुना होगा कि बीमारी से आदमी नहीं मरता है, और आपने सुना होगा कई बार कि वो सांप काट लेता है मर जाता है, सांप से आदमी कभी नहीं मरता है, वो क्या होता है कि उससे मतलब हड़बड़ा जाता है और इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो यही आपको मालूम हो, पहले लोग क्यों जीते थे, कई लोग बीमार भी होते थे फिर भी जीते रहते थे, एक हमारे दिमाग में भ्रम आ जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि एक ग्लूकोज, एक व्यक्ति को ग्लूकोज की एक दवा दी गई, उसमें ग्लूकोज भरकर दवा दी गई, और एक व्यक्ति को टेबलेट बुखार की दी गई, दोनों व्यक्ति सही हो गए। क्योंकि मतलब हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि हमें ये हो गया है, हम कोई भी दवाई ले लेते हैं। डॉक्टर देखिए, आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आधे डॉक्टर झोला छाप होते हैं, उनके भी इलाज से कई लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भ्रम हो जाता है उत्पन्न कि हमें डॉक्टर इलाज करवा लिया अब हम ठीक हैं। तो इसलिए अपने दिमाग पर कभी भी कोई भी बीमारी है आपको, उससे बीमारी को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। कहते हैं ना कि वो जब हम मान लेते हैं कि अगर हमारे दिमाग में आने लगता है कि हम हार गए, तो उसी दिन हमारी हार हो जाती है। मालूम है आपको कि आगे हार है, फिर भी आप लड़ते रहिए। समझ रहे हैं? आपने देखा है महाराजा आपके राजा कई हुए, जिन्हें मालूम था कि उनकी मौत आगे है, फिर भी वो लड़ते रहे और लास्ट तक लड़ते लड़ते मारे गए। तो आप सोचिए कि आज इतिहास में नाम उसी उन्हीं का याद रखा जाता है। तो इसलिए दिमाग पर ज्यादा फोकस मत डालिए कि ऐसा है वैसा है, और नफरत थोड़ी बचा के रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई जगह नफरत ज्यादा फैला रहे हैं, गाली देने लगते हैं एक समाज को दूसरे समाज से, या फिर पड़ोसी को गाली देने लगते हैं, उल्टे सीधे शब्द यूज करते हैं। तो इन शब्दों से बचिए, और आप लोग कुछ खास बातें ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी WHO ने भी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी यही सुझाव दिए हैं आपको। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस मास्क को यूज करते समय मैं तो कहता हूं इसे मत यूज करिए, इसकी जगह आप अपने यहां से कपड़े, कोई कपड़े का बनवा लीजिए टेलर से, वो ठीक लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने देखा और मंगवाया तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा इसमें। देखिए आप लोग, मक्खी सीधी अंदर, मक्खी चली जाएगी यहां से, आप लोग सांस लेने के यहां से, तो मच्छर मक्खी घुस सकती है, तो आप सोचिए कि वायरस को छोड़िए। देखिए, फिर मैंने इसमें बताया ना कि कपड़ा पतला लगा दिया है, अब इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहां कपड़ा लगा हुआ है, देखिए यहां। तो बस अपना ख्याल रखिए, और थोड़ा नफरत कम फैला रही है, मैं देख रहा हूं कि कई जगह ऐसा। हाथ धोइए जब भी आप आते हैं, कहीं से बाहर से घूम के आ रहे हैं, या फिर कहीं आप सब्जी लेने गए हुए थे, तो सब्जी को 15-20 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए, उसके बाद यूज करिए, उसे धो लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप आते हैं तो हाथ धो लीजिए अपने, और बाहर आप बाथरूम जहां भी है आपकी, वहां एक कपड़ा रख दीजिए, उसी से हाथ पहुंच कर अंदर चले आइए, और अगर हो सके तो 5-10 मिनट के लिए बाहर ही धूप में खड़े रहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं कि इसके लिए आप सोचें कि हाथ धोने के लिए VIP साबुन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई,
अगर घड़ी साबुन है आपके पास सस्ता से सस्ता, उससे भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ज्यादा हाव भाव मतलब अपनी जिंदगी ठीक है। आंख नाक और मुंह में हाथ लगाने से बचें। जब आप कहीं बाहर जाते हैं उस समय, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ जगह पर, तो उस समय अपनी नाक कान जो भी हाथ मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप हाथ फैलाए हुए चलते हैं, हाथ में तो ग्लव्स पहले पहने नहीं हुए हो तो उस पर भी वायरस आ सकते हैं। और दूसरी बात याद रखिए कि आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि लिफ्ट या फिर कहीं जाते हैं दरवाजा है, हैंडल है, तो उसे ना पकड़ें तो ही अच्छा है। अगर पकड़ते हैं तो जहां भी जा रहे हैं वहां जाकर पहले हाथ धो लें, ठीक है, उसके बाद खाना खा रहे हैं या घर में अंदर जा रहे हैं तभी प्रवेश करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि कहने का मतलब है कि बस बस इस तरह के जो भीड़ भाड़ की जगह है, टैक्सी वैक्सी, तो इस तरह की कम ही यूज करने से, उपयोग करने से बचें और अपना सेफ्टी रखें। ये सभी WHO ने आपकी गाइडलाइन जारी की हुई है। दूसरों से हाथ मिलाने से बचें, अभी दूर से ही राम राम कर लें, नमस्ते कर लें, चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हो जाता है कोरोना उसके बाद क्या स्थिति बनती है, कितनी नफरत भरी भावना से, मतलब हीन भावना से देखा जाता है उसे, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले ही अपनी सेफ्टी रख लें। और भीड़ वाली जगह पर कमी जाए, मॉल, सिनेमा, इन सब स्थानों से जाने से बचें। कहीं आप शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, वहां भी जाने से ही बचें। अभी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद अगर वैक्सीन आ जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। और आपके प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और WHO भी कह चुका है कि कोरोना इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला, इससे हमारी बहुत लंबा साथी रहेगा ये हमारा, तो आप समझ सकते हैं इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी। बाकी आप देखते हैं कि पार्टी वार्टियों में जाने से बचें आप लोग, ठीक है, इस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं आप लोग। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं गर्मियों के टाइम में हम सभी तौलिया खरीदते हैं, सफेद तौलिया, देखी वो आप होगी आपने, सूती तौलिया। और आप घड़ी साबुन तो सब लोग यूज करते हैं कपड़े साबुन साफ करने के लिए, तो आप उसी से हाथ धोजिए धोइए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और याद रखिए कि अगर किसी को हो भी जाता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, ना कि उसका हौसला छीनिए, ठीक है, क्योंकि ना के बराबर मौत है इसमें, ऐसा नहीं कि सबकी मौत हो जाएगी। और नेता या फिर अभिनेता, इनकी बात अलग है, क्योंकि इनके पास VIP सुविधा है। और आप देख रहे होंगे हॉस्पिटलों की स्थिति, देख रहे होंगे कि अगर किसी गरीब को हो जाता है तो वो उसकी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, सबको जागरूक करते रहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, मोबाइल है आपके पास, तो आपके आस पड़ोस जो भी व्यक्ति हैं उन्हें आप लोग जागरूक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बुरी स्थिति हो सकती है अगर हमें आप लोगों को हो जाए तो, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत, हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोगों की, आप लोग समझते हो अपनी, कि हम लोग कहाँ हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग VIP ट्रीटमेंट ले सके, यानी कि VIP हॉस्पिटलों में भर्ती हो सके, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पहले ही आप लोगों को सुरक्षा वर्थ लेनी चाहिए, बस इतना ही बोल रहा था। ये मास्क मैंने जैसे ही मंगवाया आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग यही यूज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सेफ्टी, हमारी मतलब हम अपनी सुरक्षा किए हुए हैं। भाई सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है इसमें, आप खुद देख सकते हैं कि मतलब मक्खी घुस सकती है इससे, तो वायरस तो जितना आप सोचते हैं कि इतना बड़ा वायरस है, नहीं, हमारे बाल से भी कई गुना छोटा है। आज उसने भी हमारी औकात याद दिला दी है कि हम अस्थाई हैं, कभी भी हम धरती पर स्थायी नहीं हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और सबसे बड़ी, आप अगर बाहर जाते हैं तो अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो सबसे सबसे ज्यादा ये है कि उस परिवार को भी ले डूबेंगे जिसका कोई कसूर नहीं है, जो घर में चुपचाप बैठा हुआ है, तो अपने लिए ना सही, उस परिवार के लिए कम से कम सेफ्टी बनाए रखिए, ठीक है, और जागरूक करते रहिए। और किसी से नफरत मत करिए, हम लोग इंसान हैं, आप सोचिए जानवर से बेहतर हम स्थिति में हमारी, कि हमें समझदार बनाया भगवान ने, अकल दी इतनी, फिर भी हम लोग नफरत करते रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा अपने बच्चे यार, मतलब इस तरह के इंसान है, जानवर थोड़ी है कि किसी से भेदभाव कर रहे हैं, किसी से नफरत करते हैं। आप उनके लिए दुआ मांग रहे हैं जो जो आपके लिए जानते भी नहीं आपकी। चलिए ठीक है,